हाय गाइस, बी टाउन हॉप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले टाइगर थ्री मूवी के डे फोर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाइगर थ्री मूवी के अंदर सलमान खान ने जो एक्शन किया है वो बहुत ही बेहतरीन है, और दोस्तों VFX भी बहुत ही बेहतरीन है, और दोस्तों कलेक्शन जो आ रहा है वो भी बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। दोस्तों, टाइगर थ्री मूवी ने अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर इंडिया से सभी लैंग्वेज को मिला के 44 करोड़ 50 लाख की कमाई की, 44 करोड़ 50 लाख। दूसरे दिन तो दोस्तों रिकॉर्ड बना दिया, और दोस्तों दूसरे दिन इंडिया से 60 करोड़ की कमाई की। तीसरे दिन का जो कलेक्शन आ रहा है दोस्तों ऑफिशियली वो आ रहा है 42 करोड़ 50 लाख, 42 करोड़ 50 लाख। और दोस्तों आज इस मूवी का डे फोर है, और दोस्तों आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है, फिर भी दोस्तों ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। जी हाँ दोस्तों, चौथे दिन की जो कमाई आ रही है वो 28 करोड़ से ज़्यादा ही आ रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस मूवी की 6 करोड़ की तो एडवांस बुकिंग हो गई है, और दोस्तों चौथे दिन टाइगर थ्री मूवी 28 करोड़ कमाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों 4 दिनों का जो टोटल कलेक्शन होता है टाइगर थ्री मूवी का इंडिया से वो होता है 175 करोड़, यानी दोस्तों 4 दिनों में टाइगर थ्री मूवी ने 175 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यह फिल्म लाइफ टाइम में पठान, जवान, गदर 2 मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।